नसर का जो पुल है उसको भी बंद किया हुआ है और जो नीचे का जो एरिया है उसको भी बंद किया हुआ है, क्योंकि अंदर जिस तरह की कैफियत है उसमें किसी भी किस्म का रिस्क लेना जो है वो जानी नुकसान का सबब बन सकता है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि इस वक्त भी हम जो हम बिल्कुल जिसे कहते हैं कि डाउन होके बिल्कुल हेड डाउन करके हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो फुटेजेस अपने व्यूअर्स को हम इस वक्त दिखा रहे हैं आज न्यूज की टेलीविजन स्क्रीन पर। ये पुलिस अहलकार हैं जो कि मुकाबला करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं और झुके हुए हैं, अपना बचाव भी कर रहे हैं और अपना असलहा भी साथ है, और इसी तरह से ड्रिल करते हुए ये लोग आगे की जानिब बढ़ रहे हैं। हमारे नुमाइंदे कामरान शेख और शामिर खान हमें मुसलसल इस हवाले से अपडेट्स भी दे रहे हैं। कामरान ये बताइएगा कि जैसे कि कुछ देर पहले शामिर भी बता रहे थे कि ये जो हमला आवर है इनके पास जदीद असलहा है, और इस जब फायरिंग का आगाज हुआ था तो उस वक्त धमाकों की आवाज भी सुनी गई थी, तो क्या अभी भी किसी किस्म के किसी धमाके की आवाज सुनी जा रही है फायरिंग के साथ? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, करो इसको। कामरान शेख से इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, एरियल व्यू इस वक्त आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं आज न्यूज की टेलीविजन स्क्रीन पर। ये एक्सक्लूसिव मनाजिर आप देख सकते हैं। आपको बताते चलें कि ये जो पुलिस हेड ऑफिस का पूरा एरिया है ये बहुत बड़ा है, यहाँ पर दीगर इमारतें भी मौजूद हैं और दीगर रोड के मनाजिर जो आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इसके साथ साथ ये एक्सक्लूसिव मनाजिर भी आप देख सकते हैं। रोड पर भी इस वक्त पुलिस अहलकार मौजूद हैं, यहाँ पर रेस्क्यू की गाड़ियां भी मौजूद हैं, और ये अफसरान इंतहाई इस वक्त हिकमत अमली इख्तियार करते हुए आगे भी बढ़ते चले जा रहे हैं। शहरयार आसिम इस वक्त एंकर आज न्यूज हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहरयार बताइएगा कि इत्तलात ये भी आ रही हैं कि जैसा कि आपने पहले भी कहा था कि इस तरह के हमला जब होते हैं तो हमला आवर ने ज्यादातर जो है वो वाकयात ऐसे होते हैं कि जिसमें उन्होंने खुदकुश जैकेट्स पहनी होती है। आपको बताते चले, शहरयार आसिम से भी इस हवाले से बात करेंगे। कराची पुलिस चीफ के दफ्तर पर हमला हुआ है और पुलिस के मुताबिक पुलिस हेड ऑफिस में हमला मौजूद है। फायरिंग के तबादले में रेस्क्यू रजाकार साजिद जख्मी हो गया है।